हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी एक घंटे पहले उठ के देखा तो पूरी चारों ओर से बारिश ही बारिश थी। ये देखो, पानी पानी हो रखा है और अब जाके थोड़ा धूप निकली है और मौसम थोड़ा साफ हो रहा है। तो हम जाने वाले थे भारामल, तो हमारा थोड़ा सा प्लान कैंसिल टाइप का हो रहा था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। और अब जाके थोड़ा धूप आई तो अब जाने का हमारा फोन ऑन चालू हो गया है। तो अब सब लोग जा रहे हैं, तो अब नहा धो करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं सट्टे से। तो तैयार होते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आज भारामल का दृश्य। आज पहली बार भंडारा है वहाँ, जब भारामल बाबा की मतलब पहली बार क्या, भारामल बाबा जब डेथ हुए थे उसके बाद वहाँ रोक लग गई थी, जाना आना सब बंद हो गया था। तो अब जाके वहाँ भंडारा आज हो रहा है और वो दिखाते हैं, SSP सर करा रहे हैं शायद, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और उसी टाइम जाके आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। ये हमारा श्री और मैं माओ साथ में देखो धूप सेक रहे हैं। तो गाइज, आप जाने की तैयारी हो गई है भारामल मंदिर और मौसम फिर से गंभीर हो गया है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को रास्ते का ओवरव्यू, कितना कीचड़ हुआ कितना नहीं, और वहीं जाके थोड़ा सा आप लोगों को मंदिर का भी दृश्य अनुभव कराएंगे। ये देखो गाइज, हिरन कितने मस्त लग रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे, दो भाग रहे हैं। ये आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जंगल में कोई नहीं चल रहा, पर जंगल में बहुत सारी बाइकें दिख रही हैं। देखो, हम भारामल जा रहे थे तो ऐसे बाइकें दिखती हैं, सुरई वाली रोड में भी कार बाइकें बहुत दिखती हैं। ये देखो गाइज, हमारे विधायक जी निरीक्षण पे आए हैं। विधायक जी काम कराते हैं। विधायक जी निरीक्षण कर रहे हैं जरा। गाइज, हम पहुंच गए भारामल के अंदर, एंट्री ले ली हमने और ये भारामल का गेट और ये मंदिर का कुछ दृश्य, ऐसा मंदिर का दृश्य। और ये अपने भाई लोग हाथ पैर धोने लग गए हैं, तो चलते हैं अंदर की ओर, दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहे हमारे ब्लॉग पे। और ये हमारे बाबा जी की थार देखो, मस्त सी खड़ी यहाँ पे, पर बाबा जी नहीं रहे, उनकी यादें रह गई बस। ये है मंदिर का दृश्य, अब यहाँ पूजा होने लग गई, हमारे भाई लोग चले गए हैं और हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर, एंट्री लेते हैं, फिर थोड़ा पूजा करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बाबा जी की समाधि बनी हुई है और यहाँ पे रूप सिंह बिष्टी भी उसी दिन ख़त्म हुए थे, तो उनकी भी फ़ोटो लगाई गई है। और दो चार दिन बाद यहाँ पे नन्हे महाराज भी ख़त्म हो गए थे। और ये देखो बाबा जी की फ़ोटो कितनी मस्त है। आज जो भंडारा करा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन करा रहा है, तो यहाँ ज़्यादातर पुलिस प्रशासन, कम से कम 60% पुलिस प्रशासन काम कर रहे हैं यहाँ। तो ये देखो, यहाँ पर खाना बन रहा है, ये रसोई घर है और इधर कुछ पुलिस वाले बैठे भी हैं उस साइड में चेयर लगा के, आप लोगों को दिख रहा होगा ये देखो। और ये सब खाने की देखभाल ही कर रहे हैं कि कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। तो ये इनका इंचार्ज है शायद, और जो फॉरेंसिक की टीम आई थी उन्होंने ये सीज करा था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिला होगा उनको, तभी जाके ये सीज कर दिया था इतना एरिया। और ये मंदिर से इतना दूर है, कम से कम होगा 20 कदम ये जो गेट है। और ये हमारे भाई लोग ऐसी बात कर रहे हैं आपस में। तो गाइज, हम आए थे खटीमा वाले गेट के साइड में, ये खटीमा से आने वाला जो गेट है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर, तो दिखाते हैं आप लोगों को। अपने भाई लोग भी आगे आगे चल रहे हैं तो हम पीछे पीछे, क्योंकि हम ब्लॉग शूट करते हैं तो थोड़ा सा एकांत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि नॉइज नहीं आती इसलिए। ये देहरादून से आए हैं बाबा जी, इनको पता नहीं कौन सी सिद्धियाँ मिली होंगी। तो ये यहाँ पे पूजा देखो किस तरह से कर रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं, हमें भी दे दिया है। ये हमारे गांव के भाई लोग देखो सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं पूरे प्रांगण का, मंदिर प्रांगण का। ये दीपू है और ये दिलू भाई हैं और ये भुप्पी भाई हैं। Bye.
हट गए सबके। बोल हरि गिरि महाराज की जय। बोल भरवल बाबा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आनंद आ गया बिल्कुल। हरि गिरि महाराज की जय। हरि गिरि महाराज की जय। हरि गिरि महाराज की जय। लौंडे को ये लौंडा तो है वो जो बोल रहा था। ये हमारे एसएसपी सर हैं और ये महंत महाराज से विभूति लगा रहे हैं बच्चों को। देखो दोनों के दो बच्चे सामने पे बिल्कुल लेके आए हैं विभूति लगाने के लिए। इनकी महंतों के लिए कुछ ज़्यादा ही रुचियाँ हैं और ये उनकी वाइफ है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोकारमूलं त्वरीयं गिराज्ञानगोति सच्चिदानन्दरूपायो विश्वोत्पत्यादिहेतवे। बोल भरमल बाबा की जय। बोल भरमल बाबा की जय। पेटी के अंदर नीचे अंदर हाँ पीछे ले जा। एक सिद्ध पीठ है ये और जनवरी के माह में ये जो बहुत विधोनी एक हरकत हुआ था जिसमें बहुत विधोनी क्राइम हुआ था जिसमें जो बारामल का जो महंत थे महंत हरिगिरी जी उनका और उनके चेला एक है उन दोनों का बर्बरता से हत्या हुई थी। तो बहुत ही मतलब घिनौनी क्राइम था वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। तो उसी समय हमारी पूरी टीम ने पूरा शिद्दत के साथ हम यहाँ पे काम पे लग गए थे क्राइम वर्कआउट करने के लिए। उसी समय हमने एक प्रतिज्ञा लिया था हमारी पूरी टीम ने कि जब ये वर्कआउट हो जाएगा हम अपराधियों को अपने जगह पे पहुँचाएँगे तब जो है उसके बाद हम पुलिस परिवार हम सब लोग मिलकर एक भंडारा कराएंगे करके हमने तभी एक प्रतिज्ञा लिया था। एक तरीके से इच्छा या कामना हमने व्यक्त किया था बाबा बारामल के सामने। तो आज मैं बताना चाहूँगा पिछले हफ्ते हमने हमारे टीम को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। इस घटना में शामिल सभी तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो इसके उपरांत जो है हमने हमारा इच्छा या हमारा कामना या हमारा एक हमारा मन्नत के हिसाब से हमने समस्त पुलिस परिवार उधमसिंह नगर जनपद की पुलिस परिवार की तरफ से हम लोग यहाँ पर आके हम लोग बाबा जी का हमने दर्शन भी करें पूजा भी करें और यहाँ पे एक भंडारा का भी आयोजन किया है सभी खटीमा और जनप्रिया के निवासियों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए सभी के लिए है मतलब केवल हमारे लिए नहीं है सभी के लिए। बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बने रहे सब कुशल रहे स्वस्थ रहे यही हमारा काम है। थैंक यू। अच्छा रूपा की बहू है छोटे भाई की दरबारी जो अपना दर्शा बने बिल्कुल मेरा कवरिंग लेटर से है। ठीक है आपको बहुत बहुत बधाई हो साहब आपने इतनी मेहनत और साहब ने मेहनत करी नहीं हमने पूरी टीम ने करी है तो आप मेरी तरफ से कवरिंग लेटर जाएगी मुख्यमंत्री मोदी की फोटो पे समाधि समाधि चढ़ा बोल हरि गिरि महाराज की जय। बोल भरमल बाबा की जय। बोल सनातन धर्म की जय। दिया संयम रखा और हमारी मार्गदर्शन भी किया और कानून में भरोसा रख के हम लोगों को जितना सपोर्ट दे सकते उतना सपोर्ट आपने दिया। और आज बाबा जी मैं बताना चाहूँगा माननीय सीएम साहब को ओएसडी साहब भी यहीं आ गए के प्रतिनिधि के रूप में राम जोशी जी भी यहाँ आ गए हैं। आपको बता रहा हूँ पुलिस और प्रशासन सभी है यहाँ पे सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से और प्रशासन और पुलिस की तरफ से हमने आज ये भंडारा आयोजन किया है। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरि गिरि महाराज की जय। हरि गिरि महाराज
से सर, हमारी तरफ से मैं उत्तराखंड मंडल का सर, टीम को सर, टीम को मेरी बात सुनिए, मैं पूरे उत्तराखंड मंडल का श्रीमान समुद्रगिरी महाराज हूँ और आप लोगों ने तन मन धन लगा करके है और आपने मेहनत करी है और मेरे दिल से आत्मा से ये 11,000 का आपके सपने ये 11,000 का नहीं ये बाबा जी ऐसा ना बस ये मेरी तरफ से नहीं ये सब प्रशासन को एक सेकंड सुन लीजिए मैं टच कर लूँगा और कुछ नहीं है मैं आगे बताना सुन लीजिए मैं कुंभ का एसपी रह चुका हूँ ये हमारे साथ कुंभ करा चुके हैं हम जब वहाँ पे खाने पे बैठते हैं तो आप हमें देते हैं मुझे पता है मैंने वो लिफाफा लिया भी है वो प्रक्रिया मुझे पता है पूरा वही समझ गए रख लो आप लेकिन इस धनराशि का मैं आप सभी को बता रहा हूँ जो आप सभी सेवादार या किसी को भी देखे इस जगह पे जितना हो सके उतना कैमरे लगा ठीक है हम यही चाह रहे हैं मतलब हम भी वही करते हैं आप इसी मेरी तरफ से ये घोषणा है इसी धनराशि का आप किसी एक वेंडर को लेकर एसओ जन का साहब आप किसी भी किसी एक वेंडर को लाके सोलर कैमरा लगवा दो चलो इस पैसे का सदुपयोग हो गया बोल भरा मन बाबा की जय सनातन धर्म की जय एक सरकारी रूल में है चलो महाराज जी को किसी का हमने ले लिया के हाथ दे दिया बाबा जी आ गए आप कैमरे में सर सुरक्षा मिल सकती है हम लोगों सुरक्षा वन विभाग दे तो रहे अभी नहीं सर हम चार दिन दो ही लोग हैं हालत है चार दिन फोन किया प्रवीण ने मंगला जी दिनेश मंगला सुरक्षा जरूर चाहिए हमें रेगुलर हमारा सनातन धर्म ऐसे नष्ट होता जा रहा है आते हैं क्या शांत आपने कहा था हाँ सही है तो चलो आप फिर से मैं आज डीएफओ साहब से बात करके मैंने तो बोल दिया था यहाँ पे दो और यहाँ पे दो हमेशा चार लोग असले मन दिन में तो चलो कोई बात नहीं रात में थोड़ा नहीं नहीं सर 24 घंटे यहाँ पे वन विभाग की गार्ड रहेगी ये हमने हिमांशु बागरी जी से बात किया है अगर आप भी नहीं कर रहे तो मुझे लिखत पड़त में इनको सूचना देना पड़ेगा बहुत नहीं कर रहे हैं धन्यवाद आज का भंडारा जो ये प्रशासन के जरिए से हो रहा है और इस भंडारे की वजह से अभी क्या है अभी तो इसमें साल भर जो सेवा करेगा ठीक है ना अभी तो फिलहाल तो इनके रणधीरगिरी ही अभी कार्यकर्ता जितने भी है जो कुछ भी है अभी यहाँ उनके गुरु भाई हरिगिरी के ठीक है ना तो अभी तो रणधीरगिरी रहेंगे और फिर ये जाने क्योंकि इनके परिवार के हैं ठीक है ना उनके बाद इनके चेलों को बैठाएं किसको बैठाएं अभी तो कुछ नहीं होगा लेकिन अभी ये जो बरसी आएगी ना बाबा जी की उस बरसी में निर्णय होगा किसको यहाँ महंत बनाया जाएगा किसको यहाँ गादीपति बना करके और सेवा में रखा जाएगा मतलब एक साल की प्रतिज्ञा अभी तो सभी रहेंगे सभी और अभी तो ये रणधीरगिरी है इनके संगनीर में रहेगा और यही सब देख रेख रखेंगे बाद में देख बरसी आएगी उसके पश्चात जो भी कुछ होगा हमारे हिंदू धर्म में अगर कभी भंडारा कराया जाता है अगर बाबा लोग वहाँ इनवाइट होते हैं तो सबसे पहले महंतों को कराया जाता है और उसके बाद खुद किया जाता है ये देखो इस तरह से ये सारे महंत लोग बैठे हुए हैं और SSP सर उनको भोजन दे रहे हैं और अब हम लोग भी करते हैं भंडारा गाइस तो हम जा रहे हैं घर की ओर और हमारा गाइस ये भी तेरे पट्टे पड़ने वाले थे कोई नहीं पट्टे कोई किसकी क्या मजा जो कोई पट्टे मार दे चौहानों को कोई पट्टे नहीं मारता ठीक है चौहान मारते हैं जिसको मारते हैं तो ये देखो बंदर देखो कैसे ऊपर में है और अब चलते हैं घर की ओर पूजा हो गई हमारी और भंडारा भी खा लिया है बाबा की और दीपू भाई डर गए थे पुलिस वालों से पुलिस वाले ऐसे थोड़ा ना मारते हैं बिना गलती के तो चलते हैं आप निकलते हैं फटाक से क्योंकि कीचड़ भी हो सकता है फटाक से चलते घर ये देखो गाइस जंगली मुर्गी और जंगली मोर है देखो और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस ये शख्स बोलता है ये वाला माल जो पड़ा है पूरे नदी में ये लाखों का माल है आप लोग बताओ नहीं बोल रहा है अच्छा तू नहीं बोल रहा है ये जो जितना लकड़ी पड़ा है ये लाखों का है बोल रहा है उठाना है बोल रहा है ट्रक मंगा रहा है मेरे से मगर मैं लाऊंगा नहीं क्योंकि यार ये जंगलात वाला है ये देखो ऐसे बिचार हैं इसके गाइज ये मैं हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं देखो फोटो के लिए कैसे लाइन पे खड़े हैं देखो कैसे लगते हैं ये कबूतर जैसे गांधी जी के 3 बंदर है मगर वो 5 है ना इसलिए नहीं बोल पा रहा बंदर करके गांधी जी आदि जी नहीं तो मंदिर से लौटते टाइम पे देखो कितना सारा कीचड़ दिख रहा है और इस ब्लॉग को करते हैं इंडिया मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोगों से ओके बाय बाय प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें यार अच्छा लगता है और थोड़ा सा सपोर्ट भी करें मुझे